स्टूडेंट माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़े थे क्या एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हुए थे उसको पीरियडिक टेबल में कैसा अरेंज करना। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग मशवरा दिए थे, अलग अलग सजेशन दिए थे, ठीक है ना। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़े थे यूनिटरी मेथड, सेकंड वाला डूबे राइनर्स ट्राइड्स, फिर थर्ड कुक्स होमोलॉगस सीरीज, फोर्थ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, फिर लोथर मेयर का कर्व पढ़े थे हमने, याद आ रहा हूँ आपको, जहाँ पर उसने ग्राफ का यूज किया था। और सबसे फेमस वाला लास्ट टॉपिक पढ़े थे हमने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो ये पूरा हमने इतिहास पढ़े क्या 18 सेंचुरी में एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हुए थे, है ना, कितने 31, और 1865 में एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे 63। तो उन एलिमेंट्स को कैसा अरेंज करना, तो मेंडेलीव तक के इन साइंटिस्ट ने मशवरा दिए थे। लेकिन खास बात यह थी क्या वहां पर देखिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, है ना, ऑफ एलिमेंट इज द पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस। काय का पीरियडिक फंक्शन था, एटॉमिक मास का। यानी कहने का मतलब यह है कि इससे पहले साइंटिस्ट ने जो डिस्कस किए हैं और पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो अरेंज किए हैं उसके एटॉमिक मास पर अरेंज किए, ठीक है। लेकिन मेंडेलीव के बाद में एक नया मोड़ दिया किसने, हेनरी मोजले ने। इसने ये बताया क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखे हमने रूट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड था यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना। और इसका कहना यह था, देखिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक्सरे पर, ठीक है। इसका ये कहना था क्या हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहता, यानी हर एलिमेंट अपना अपना फ्रीक्वेंसी रखता, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, बराबर है। मीन्स प्रॉपर्टीज, फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी तक के साइंटिस्ट क्या डिस्कस कर रहे थे बताइए, क्या पीरियडिसिटी, बराबर है, ये काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताए थे, याद होगा आपको, बोलो। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताया आपको, उसमें बताया था उसने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज एटॉमिक मास नंबर, ओके। ध्यान से देखिएगा क्या हर एलिमेंट अपना अपना फ्रीक्वेंसी रखता है, बराबर है, और हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी उसके कायगे उसके प्रोटॉन की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, बराबर है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एटॉमिक नंबर। एक इसने नया मोड दे दिया कि यहां से अब हम एलिमेंट को जो अरेंज करेंगे उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसकी स्टेटमेंट के बाद में फिर साइंटिस्ट का एक बड़ा ग्रुप आया, है ना, जिसमें हेनरी मोजले भी थे और बोहर्स था, है ना, एटसेट्रा, अलग अलग साइंटिस्ट की टीम आई और उन्होंने बताया दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं, क्या जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, 118, ठीक है। और जैसा इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था क्या मेंडेलीव ने बताया था क्या फर्स्ट ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट एट, सेकंड ए, सेकंड वाले को, है ना, सेकंड ए, सेकंड बी, इस तरह। तो इसके बाद देखिए मॉडर्न पीरियड टेबल में आईयूपीएसी ने बताया कि यहाँ पर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, ये पूरा खत्म कर दो बस डायरेक्ट, कि इसमें ग्रुप है 18 और उसके बाद में इसमें रो है 7th, कितने 18 ग्रुप और कॉलम और 7th पीरियड और रो, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को कैसा अरेंज करना, इनकी पूरी कहानी है, ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा इसका एनालिसिस करूं, ठीक है। और खास बात ये देखिए कि मैंने यहां पर पहले जो पीरियडिक टेबल ड्रॉ करके रखा हूं, अपना प्लान ये है कि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, ये नोट किया आपने, चलिए देखिए
ध्यान से देखिएगा, ये किसका एक एक्सपेरिमेंट था हेनरी मोजली का, काय पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये, बोलो, एक्सरे पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मैं कोशिश करता हूं कि इसमें ब्लॉक कितने, पीरियड्स कितने, इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद में डी ब्लॉक क्या रहता है, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज रहता है, 4F सीरीज और 5F सीरीज, जिसमें लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या यहां लिखा हूं मैंने, सबसे पहले हाइड्रोजन, ओके, सेकंड हेलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। फिर है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ओके, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रूबीडियम, स्ट्रॉन्शियम, यटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, ज़ेनॉन, सीशियम, बेरियम, लेंथेनम टू लुटेशियम, लेंथेनम, ठीक है। फिर ये हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, थैलियम, लीड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडॉन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांशियम, रेडियम, एक्टेनियम टू लॉरेंशियम, ठीक है। तो उसके बाद में है रुदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हैशियम, मिटनेरियम, डेमस्टेशियम, रोएंट जीनियम, कोपरनीशियम, ठीक है। यू यू टी, यू यू क्यू, यू यू पी, यू यू एच, यू यू एस, यू यू ओ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद देखिए लेंथेनम, सेरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम एंड लास्ट वन इज लुटेशियम। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओके, एक्टेनियम, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, है ना, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, फर्मियम के बाद में है मेंडेलेवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोशिश करूंगा मैं कि ये पूरा पोर्शन आपको क्लास में याद करवा दूं, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, देखिए पहले हम इसके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, इसके एटॉमिक नंबर 1, ये 2, ठीक है, 3, 4, क्लियर दिखाई दे रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है ना, 29 और 30। फिर ये रहेगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 48, ओके,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 to 71. क्लियर दिख रहा ना, ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ओके, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ठीक है ना, समझ में आया 86। फिर 87, 88, देखिए आप 87, 88, 89, ठीक है ना, ये 103 तक क्या आ जाएगा, ओके, 104, 105, 106, 107, 108, ओके, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, ओके। अब देखिए यहाँ पर लैंथेनाइट सीरीज एलिमेंट जो है ये 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 69, 70, 71. यहाँ पर ये 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, शंभर, 101, 102, 103, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पर पूरा पीरियडिक टेबल लिख दिया हूं। अब ध्यान से देखिएगा, पीरियडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स, एक एक पॉइंट्स याद रखना, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118, कितने हैं, 118, ठीक है, जिसमें से नेचुरली ऑकरिंग ये है बेटा 92, ठीक है, बाकी कितने रिमेन बचे, दैट इज आर्टिफिशियल, मैन मेड है ना, आर्टिफिशियल, ठीक है, ये बचे यहां पर 26, ठीक है। एक एक पॉइंट में कोशिश ये करूंगा, क्या देखिए हमारे को एस ब्लॉक में ये पोर्शन है ना, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक चैप्टर है ना, एस में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो 11th में भी है, 12th में भी है, एस ब्लॉक है, ठीक है, तो उसपे का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक काम कीजिए आप, इसको अभी से पूरा रट लीजिए, बताऊंगा इसके हिंदी में भी टेक्निक कैसा है, तो ठीक है ना, यहां तक के समझ गया। हाँ, अब देखिए इसमें टोटल बेटा ग्रुप और जिसको हम कॉलम बोलेंगे, ग्रुप और कॉलम है 18, कितने 18, ये फर्स्ट वाला, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ओके, सेवंथ, एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, ओके, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन और ये 18। ध्यान से देखिएगा कितने ग्रुप और कॉलम है इसमें, 18, बराबर। अच्छा, इसमें रो और पीरियड्स कितने हैं, रो और पीरियड्स है 7, आड़े इसमें देखिए, ये फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ है ना, ये छठे और सातवें रो में आता है, ओके, पीरियड्स कितने इसमें 7। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, ओके, वो बताता। ब्लॉक कितने हैं बेटा, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब एफ ब्लॉक में देखिए, एफ ब्लॉक में दो सीरीज है, एक है 4F सीरीज और एक है 5F सीरीज, लेकिन हम एक एक पॉइंट्स को डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि रो और पीरियड्स कितने, कितने पीरियड्स है बेटा इसमें, 7 पीरियड्स है। और रो देखिए, रोज फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवंथ, ठीक है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हेलियम, याद रखना आपने। सेकंड वाले में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कितने हैं, 8 एलिमेंट्स। थर्ड वाले में, ये थर्ड रो, 1, 2 और ये 6 वाले, 8, ओके। फोर्थ वाले में,
1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
किनारे सेम है ना, सेम। अब यहां पर देखिए ये सिक्स रो है, छठा रो है ना, सीशियम बेरियम और ये लेंथेनम, फिर बाद में सेरियम, प्रेसो डायमियम, नियो डायमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलमियम, अरबियम, थोलियम, यटरबियम, लुटेशियम, फिर हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रिनियम, ऑस्मियम, रेडियम, प्लेटियम, गोल्ड, मर्क्यूरी, अब ये थेलियम, लीड, बिस्मथ है ना, पोलोनियम, स्टेन और रेडॉन। तो ये अगर आप काउंट करेंगे तो 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने 32। अब ये काउंट कर लो आप सेवंथ रो में, ये भी कितने आ रहे बेटा 32, तो इसका आंसर है 118। 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कितने 118 रो और पीरियड्स। ठीक है, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है 2, सेकंड में कितने हैं 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और सेवंथ में भी 32। तो पीरियड्स समझ में आ गया आपको पक्का? हाँ, चलिए ये नोट कीजिए आप, क्योंकि आगे और टॉपिक लेना है हमारे को। चलो पीरियड्स का ये काम खत्म हो गया, ठीक है ना। ग्रुप और कॉलम कितने हैं 18 है। चलिए इसके बाद देखिए, क्या विश्व की दुनिया की सबसे महंगी चीज, मतलब कौन से वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा महंगा है, तो एक्सपेंसिव बोलेंगे ना इसको, कॉस्टली एलिमेंट, एलिमेंट ये है बेटा यूरेनियम। थोड़ा याद रखना आपने, कभी कभार कोई पूछते तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, क्या है यूरेनियम, ठीक है ना। अच्छा सबसे हेवियर मेटल कौन सा है, भारी मेटल, ऑस्मियम, जिसका डेंसिटी भी सबसे ज्यादा रहता, ओके। और सबसे लाइटर मेटल, सबसे हल्का मेटल है लिथियम, दिखा Li, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, ओके। इसके बाद में सबसे एक्सपेंसिव मेटल कौन सा है, मेटल की अगर बात करेगा एक्सपेंसिव मेटल, तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे, Pt प्लेटिनम, बराबर है, ठीक है। यहां तक के समझ में, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा वाला रहेगा, बोलो कौन सा, लिथियम, कौन सा वाला, लिथियम। अब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से एलिमेंट का है, याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है हीलियम का, और सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है CS सीशियम का, ओके। ये मैं आपको जनरल नॉलेज बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। यहां तक आपने नोट कर लिया, फिर आप बात करेंगे स्पेशल ब्लॉक की, ठीक है। फिर ब्लॉक के बाद में देखिए एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है ना, ये बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में डी ब्लॉक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ट्रांस केमिकल ट्विस्ट किसको बोलेंगे हम, हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पर इस पर क्वेश्चन आता कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल ट्विस्ट, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल ट्विस्ट और इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल ट्विस्ट, ठीक है। अब जो बच्चे नेट, JEE एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए तो मस्ट है कि आप ये पूरा पीरियडिक टेबल लर्न कर लो, ठीक है। और ये लर्न करवाने की जिम्मेदारी हमारी तरफ छोड़ दो, हम आपको पूरा लर्न करवा के देंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करना ये भी मैं टेंशन लो, ये तो मैं डायरेक्ट आपको अभी बताया, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा मैजिक नंबर से, है ना, जैसा 2, 8, 8 ऐसे थे ना मैजिक नंबर, उसके थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये नोट किया आपने, हाँ। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 118, ठीक है। हाँ चलो बेटा ध्यान से देख लो आप, क्योंकि आज डिस्कस हमारे को यही करना है, ठीक है ना, ये नोट किया आपने, हाँ। चलिए देखिए, थोड़ा रैपिडली नोट कर लो आप इसको, ओके। अच्छा मैंने आपको क्या बोला कि इसमें रो और पीरियड्स कितने हैं 7, जो आपके सामने प्रूफ है, और ग्रुप और कॉलम कितने हैं 18। देखिए पहले हम बात करेंगे सब शेल की, है ना, क्या है सब शेल और ऑर्बिटल, है ना, एस पी डी एफ, इसके बाद अगर डिस्कवर्ड हो तो जी, इस तरह नाम आएंगे उसके, ठीक है।
बेटा एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की 2, फिर चार चार आप इंक्रीज कर दो, कितने रहेंगे 6, 10, 14 और ये 18, लेकिन इसका काम नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, बस एफ तक के काम हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैंने इसके लिए एक बॉक्स बनाया, ठीक है, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं 2, जिसमें हम डायरेक्शन है सर अपोजिट बताते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अच्छा एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा रहेगा वो भी बताया था मैं आपको, ये नोट किया। देखिए बेटा एस ऑर्बिटल के शेप की अगर हम बात करेंगे तो ये रहता है स्फेरिकल इन शेप, कौन से शेप में, स्फेरिकल इन शेप। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी याद रखना आपने, आगे और डबल आएगा अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, स्फेरिकल इन शेप ये हमने ड्रॉ किए हैं और ये स्फेरिकल इन शेप एस ऑर्बिटल। यहां तक की समझ में आया, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा रहता है स्फेरिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक बताएंगे आप क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो एस ऑर्बिटल इज ओनली वन टाइप, एक ही बॉक्स बन रहा है इसके लिए, एक टाइप। इसके लिए बेटा अपन कितने बॉक्स बनाएंगे, 3, कौन कौन से, ये पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल करते हैं सर विद सेम स्पिन, है ना, ये है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फिल्ड करना तो आता हमारे को, लेकिन काय के जरिए फिल्ड करते हैं इसको, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसके जरिए हम इसको फिल्ड करते हैं, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 4, 5, 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा जो फर्स्ट वाला है इसका नाम है पीएक्स, ये पीवाई पीजेड, ऐसा कुछ नहीं रहता, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, इसको पीएक्स बता सकते हैं, इसको पीवाई बता सकते हैं, इसको पीजेड, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि पी ऑर्बिटल के 3 टाइप्स है, कितने टाइप्स है बेटा, 3, है ना, कौन कौन से है, पीएक्स, पीवाई और पीजेड, ठीक है। अच्छा पी ऑर्बिटल का शेप कौन सा रहता, पी ऑर्बिटल का शेप रहता है डम्बेल शेप, पी का कौन सा है, डम्बेल शेप, ठीक है, पी ऑर्बिटल का शेप ये है डम्बेल शेप, है ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, पी ऑर्बिटल हैज डम्बेल शेप, पी ऑर्बिटल का शेप कौन सा है, डम्बेल, ओके, इस तरह। एक रहेगा इसमें पी एक्स, दूसरा है पी वाई और पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है ना। सो पी ऑर्बिटल आर ऑफ कितने, 3 टाइप्स, और पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम कितने रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर बराबर ना, कम से कम इसमें अगर रखें हमें इलेक्ट्रॉन तो कितना रखेंगे, 1, और मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना, बाद में पेयर्ड फिल करने का। अब ऐसा ही देखिए बेटा डी ऑर्बिटल, क्या है, डी ऑर्बिटल, ओके, डी ऑर्बिटल, अच्छा पी देखिए, ये जो एस ऑर्बिटल का शेप बताया था मैंने आपकी, है नॉन डायरेक्शनल, है क्या कोई डायरेक्शन इसका, नॉन डायरेक्शनल, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं एस ब्लॉक में से पूछेगा आपको, नॉन डायरेक्शनल रहता है ना। ये क्या है बेटा, 2 फोल्डेड है, क्या है, 2 फोल्डेड है ना, ये 2 फोल्डिंग होगी, कौन सा, पी वाला, ठीक है। एस का क्या रहता, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं इसकी, स्फेरिकल है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ध्यान से देखना अगला, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, कितने है बेटा, 10, पहले हम डी पे डिस्कस कर लेते, ओके, और एफ की कितनी है, 14। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डी ऑर्बिटल के मैक्सिमम कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स। तो बेटा ये भी याद कर लेना आपने धीरे धीरे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है बेटा डी जेड स्क्वायर। देखिए मैंने जेड लिपि वाला बनाया हूं, ये दो में इसमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, बराबर है ना। तो कितने टाइप्स है इसके, 5, और मैक्सिमम कैपेसिटी इसके 10 इलेक्ट्रॉन की है। जब भी इलेक्ट्रॉन हम फिल्ड करते हैं सर, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्ड करते है ना, फिर बाद में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल्ड करते हैं, और ये कौन सा रूल है, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बराबर है।
बेटा इसका शेप रहता है डी ऑर्बिटल का है डबल डम्बेल, ये छोटी मोटी बातें याद रखना, डबल डम्बेल शेप मतलब ये रहता है इस तरह है ना, अलग अलग डीएक्स डीवाई डीएक्सवाई डीवाईजेड डीजेड एक्स डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डीजेड स्क्वायर, लेकिन याद आपको ये रखना है कि इसका शेप कौन सा रहता, डबल डम्बेल, और ये रहता बेटा फोर फोल्डेड, क्या रहता फोर फोल्डेड, यहां तक क्या समझ गए ठीक है। अच्छा एफ ऑर्बिटल के मैक्सिमम कितने टाइप्स हैं? सर एफ ऑर्बिटल के मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे यहाँ पर 7 डब्बे बनाना पड़ेगा, कितने बॉक्स 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी फिल करेगी 8 9 10 11 12 13 14, सो एफ ऑर्बिटल आर ऑफ 7 टाइप्स बराबर है, और इसका शेप रहता बेटा डिफ्यूज्ड, क्या रहता डिफ्यूज, जिसको हम 8 फोल्डेड बता सकते हैं, ये कंप्लीट डिस्कवरी नहीं है ठीक है। तो याद रखना आपने एस का क्या रहता स्फेरिकल, पी क्या रहता डम्बेल शेप है ना 2 फोल्डेड ठीक है ना, उसके बाद में डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप दैट इज 4 फोल्डेड, एंड एफ ऑर्बिटल ये रहता डिफ्यूज्ड ठीक है दैट इज 8 फोल्डेड। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया, F ऑर्बिटल P ऑर्बिटल है ना S P D F ठीक है, यहां तक क्या आप समझ गए, इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए देखिए हाँ ये नोट किया आपने, अब देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स की बराबर है, यहां तक क्या आपको समझ में आ गया पक्का ठीक है।